आज हमारी कम से कम चौथी या पांचवी मीट होगी। मिलते रहते हैं, व्लॉग नहीं बनाते हैं। एक सवाल है वो बताओ, आप बाइक से तो जाते हैं आप लद्दाख और वहाँ गए, आपका स्प्लेंडर से क्या एक्सपीरियंस रहा है? वो स्पीड से लेना देना उसका होता है जिसको, जो रेसर है मतलब जिसको बाइक ही भगानी है। आवाज देखो भाई, मजाक कर रहे हो यार। थकावट नहीं ना, सुबह में बैठो कमर दर्द, हाथ दर्द, कंधे दर्द। तो यार वो स्पीड का नहीं रहा कि मतलब कि आप ये 60-70 पे पहला गियर इसका बहुत लंबा जाता है, सीरियसली कह रहा हूँ। हमें पड़ी है आर्मी वालों तरफ से 180 की। आर्मी वाले आप, ये स्टैंडर्ड है? हां स्टैंडर्ड है भाई, नहीं तो 2.5 की आ रही, 230 की आ रही, नहीं तो 50-60 पड़ती है भाई। रिकॉर्ड बना दिया 0005, 1,80,000 रुपए की स्टैंडर्ड। करो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया, हेलीकॉप्टर भाई, हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज HSB। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली देख लीजिए यार, फिर दोबारा हम अपनी ZX10R पे। और गाइस व्लॉग बहुत सही से शुरू हुआ भाई, आज हमने आपको स्टैंडर्ड दिखाई। गाइस आज जाया जा रहा है करोल बाग, और गाइस मैं करोल बाग किस लिए जा रहा हूँ, ये मिरर्स खुले हुए हैं ना, ये दोनों चेंज होने वाले हैं। बहुत एक्सपेंसिव मिरर्स लगवा रहा हूँ। मिरर भाई लोग कहते हैं ना कि इतने महंगे मिरर्स क्यों लगवा रहे हो, कि ना वो मिरर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज आती हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी फिलहाल हमें टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन, आवाज़ सुनाता हूँ आपको बाइक की, खिंचा मार के। ये देखो आवाज़ बहुत सही आ रही है बाइक की, क्योंकि यार मैंने ना इसमें शॉर्ट कैन लगा दिया था यार, बाइक चलाने का ना टाइम नहीं लग पा रहा। आप देख भी रहे हैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव हूँ और किसी काम में बिजी है, कुछ चीज़ें नहीं लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। इसमें मैं मिरर्स लगवाने जा रहा हूँ, एक तो वो छोटे बहुत हैं, ये बड़े इतने हैं ना मिरर, तो इससे ना एक बहुत डर रहता है कि गाड़ी में टच ना हो जाए। बाइक का एक मिरर 20,000 रुपये का है, तो मतलब कि बाकी मैं वो लगवा रहा हूँ, वो ना छोटे हैं, मतलब इतने मिरर्स हैं। उसकी क्वालिटीज़ ऐसी है कि मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता आइज़ पे, वैसे ही वो मिरर्स है उसकी बहुत क्वालिटीज़ है। जैसे टॉर्च मारेंगे या पीछे से कोई गाड़ी लाइट मारेगी ना, तो रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ में नहीं पड़ता, सिर्फ बिंदु नज़र आएगा उसके अंदर। ये चीज़ें हैं। जितनी लग्जरी कार्स हैं ना, जैसे मर्सिडीज़ हो गई, मेरे पास BMW है आपको पता है, तो BM के मिरर्स भी साइड मिरर ऐसे ही लगे हुए, इसलिए भाई एक्सपेंसिव शीशे आते हैं इनके। ऐसे ही हम इसके अंदर लगवा रहे हैं। तो यार मैंने ट्रैक करना है, ऊपर से ना बाइक सुंदर बहुत लगती है, एग्रेसिव लगती है आगे से, आपको पता है पूरी ना आगे से H2 ही लगती है देखा जाए तो। अब यहाँ से निकल रहे सीधा करोल बाग के लिए, और गाइस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। मैंने एक्चुअली जाना कंपनी भी था इसकी भाई सर्विस करवाने के लिए, भाई पहली सर्विस आ चुकी है। खर्चे इतने हैं ना भाई, पहले था सुपर बाइक्स खरीद लो कि खर्चे नहीं है भाई, इनकी इंश्योरेंस इतनी महंगी होती है। अभी हायाबुसा की इंश्योरेंस खत्म हुई थी, अब इसकी सर्विस आ गई है भाई, मतलब खर्चे बहुत हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस आ जाएगी अब, अभी BMW की करवाई है, तो ना भाई बहुत खर्चे हैं यार। गाड़ियाँ भाई मैं सीरियसली कह रहा हूँ, गाड़ियाँ रखनी बहुत मुश्किल है भाई, आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं यार ये चीज़ें। और भाई काम खर्चा इनमें अलग। अब जा रहा हूँ मिरर्स लगवाने बाइक के, और भी इसके अंदर छुटमुट काम करवाने हमने। और गाइस ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे ये रहा डिटेलिंग एक्सपर्ट, अपने भाई की है ये भी शॉप। बैठा नहीं, अभी नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे भाई PPF वगैरह बहुत सही होती है, मैंने अभी अपनी करेटा तैयार कराई है यहाँ से, बहुत सुंदर लगती है। कल भी ना वॉश होके आई थी गाड़ी भाई, ऊपर से छत वत सारी ब्लैक करवा दी ना, बहुत सुंदर लग रही है मेरी क्रेटा। और गाइस बता दूं, इसको हम रैप करवाने वाले हैं ZX10R को, जो कि भाई इंडिया फर्स्ट होगी भाई। आपको पता है कि तुम्हारा भाई जो चीज़ करता है सबसे पहले करता है, उसके बाद चीज़ें कॉपी ज़रूर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा भाई करता पहले ही है जो भी चीज़ें करता है। जैसे हायाबुसा आपको पता है 3rd gen खरीदी थी, कोई भी व्लॉगर नहीं है भाई जिसके इतने व्लॉग्स होंगे। हायाबुसा 3rd gen पे तुम्हारे भाई ने ली, उसके बाद भाई उसको इंडिया फर्स्ट बनाया। और भाई हायाबुसा पे ना 3rd gen पे मेरे से पहले किसी ने ट्रैक भी नहीं करा था, मैंने ट्रैक भी करा था उससे। तो भाई वही है कि एक बार ना लोगों के ना माइंड से निकालना चाहता था, मुझे रिलेटिव्स में किसी ने बोला था कि भाई हमने ट्रैक्स बहुत देखे पर हायाबुसा को ट्रैक पे चलते हुए नहीं देखा। मेरे माइंड में वो कंटेंट आया, मैं यार सही कह रहे हैं, एक बार हम ट्राई करेंगे। लेके गया था ना हायाबुसा को, तो मेरे यही माइंड में थीम थी कि भाई पर ना उसको 25th anniversary बनाता हूँ भाई। आपको पता है इंडिया में सबसे पहली मेरी बाइक थी 25th anniversary, जो भी मैंने रैप उतार दी, क्योंकि अब काफ़ी लोगों ने ले ली है वो बाइक। हायाबुसा को ना इंडिया फर्स्ट बनाने वाला हूँ, वो रैप के लिए जाने वाली है मेरी बाइक, बहुत सुंदर बनाने वाला हूँ बाइक को। सीधी सी बात ये है कि भाई देखो तुम्हारा भाई ना इंडिया में बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हारा भाई पहले करता है, उसके बाद चाहे वो चीज़ें लोग करके बोल देते कि नहीं पहले करा है। जैसे कि यार रैप वाली प्रथा ना इंडिया के अंदर कोई भी नहीं कर रहा था, मतलब रैप नहीं कोई करवा रहा था। मैंने अपनी 1000 डॉलर पे ना रिस्क लिया और रैप करवा दिया भाई, क्योंकि भाई लोग रैप इसलिए नहीं करवाते थे कि पेंट जो है ना वो ना उतर जाए। भाई मैंने सबसे पहले ना आज से 4 साल पहले की बात है BMW 1000RR को रैप करवाया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था लोगों का। मैंने जिस भाई से रैप करवाया था उसके बाद भी भाई इतना काम आ गया ना, इतने लोगों ने रैप करवाई है ना उनके बाद बाइक्स, कुछ कहने की हद नहीं। अभी उसी से ही हम एक और बाइक करवाने वाले हैं। बाइक आवाज़ देखो भाई, बहुत बढ़िया आवाज़ आती है गाइस, अभी देखना। बहुत सुंदर आवाज आती है यार इसकी। डाउन शिफ्ट में बहुत अच्छी आवाज आती है, बिल्कुल सेम ना 1000 RR भी आती है। 1000 RR का जैसे अब गियर छोटा करते थे ना, 1000 RR में क्या होता था, पटाखा आता था। क्यों भाई साहब, सोच में खोए हुए हैं हमारे भाई साहब। आवाज सुनो भाई, भाई पहला गियर भी इसका आज आपको दिखाएंगे। भाई पहला गियर इसका बहुत लंबा जाता है, सीरियसली कह रहा हूँ। हायाबुसा का भी 140 जाता है, बट इसका बहुत लंबा जाता है यार। जी गाइस, पिलियन के अंदर आपको कैसी लगी बिल्ली? गियर देखो कितने बढ़िया छोटे हो रहे हैं, देखो। अब देखना भाई, कंट्रोल में बहुत जल्दी आ जाती है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है इसकी। करोल बाग आने वाला। और गाइस मुझे ना नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा रैप करवाना चाहिए हमें। आप एक बार नीचे ये कमेंट करके बताओ गाइस। एक और सुपर बाइक आने वाली है अपने गराज के अंदर, भाई मज़ा आ जाएगा आपको। कल हम उसके लिए रिवील करने वाले हैं। खतरनाक बाइक आने वाली है एक और, मज़ा आ जाएगा भाई तुम्हें। गाइस हमने जाना मासूम की शॉप पे। और भाई पहली बार हुआ यहाँ ट्रैफिक नहीं मिला, नहीं तो हर बार यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। कहाँ रहते हो भाई? मैं करोल बाग। हाँ जानते हो भाई। यार ये बहुत बढ़िया ले रखा है बैग। पैसे वैसे लेके जाते हो क्या? यूरोप से? अच्छा लग रहा, बाइक भी अच्छी लग रही है तुम्हारी भाई। करते हो राइड वगैरह, करते हो कौन से ग्रुप में गए हो? क्या बात है भाई, राइडर हो फिर तो पूरे। बढ़िया यार, बढ़िया। ये आ जाएगी तुम्हारे पास, ये तो आ गई 4 पेटी की। तो ये भी भाई क्या? अच्छा स्टंट देखे हैं। अच्छा भाई, भाई बहुत प्यार करते हैं यार भाई। काफ़ी लोग हैं कहते हैं भाई हमें भी ये ना बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा भाई आ जाएगी तुम्हारे पास। जिस चीज़ का भाई शौक है ना तुम्हें, भाई भगवान आज नहीं तो कल दे ही देता है भाई। बस सच्चे दिल से दुआ करो, किसी के साथ गलत ना करो, लॉयल रहो भाई। भाई अगला बंदा गलत कर रहा है ना, कोई बात नहीं, सह लो भाई। पता लग गया ना चोरी, फिर भी शांत रहो यार। ये बंदा समझदार है ना भाई, वो हाथ जोड़ के चलता है। तो अरे वहाँ पर बहनों पानी देखो भाई कितना भरा हुआ है भाई। घर से ना पॉलिश मार के लाया था टायर्स पे। फाइनली पहुँच चुके हैं मोटो किंग। बढ़िया बढ़िया। लो भाई जट भाई भी खड़े हुए हैं, आपको आज मिलवा देते हैं भाई जट भाई से। और सब बढ़िया। मैं कहा काफ़ी भाई ना हमारे बोलते कि जट भाई के साथ व्लॉग बनाओ, तो भाई देखो आज हमारी कम से कम 4वीं या 5वीं मीट होगी। मिलते रहते हैं, व्लॉग नहीं बनाते। बाकी 5वीं बार मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। उस दुकान पे मिले, फिर वहाँ मिले, एक बार यहाँ मिले। भाई अपनी ना जनता के ना एक सवाल है, वो बताओ आप यार, आप ना सुपर बाइक से तो जाते हैं आप लद्दाख और वहाँ गए, आपका स्प्लेंडर से क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बताओ। स्प्लेंडर से भाई सुपर बाइक से बढ़िया रहा है। सच में? हाँ। मजाक कर रहे हो यार। में थकावट नहीं ना, सुबह में बैठो, कमर दर्द, हाथ दर्द, कंधे दर्द। तो यार वो स्पीड का नहीं रहा कि मतलब कि आप ये 60-70 पे जिसने ट्रैवल करना ना उसको स्पीड से लेना देना नहीं होगा। अच्छा ट्रैवल करना, दुनिया घूमनी है, स्पीड से लेना देना उसका होता है जिसको, जो रेसर है, मतलब जिसको बाइक ही भगानी है। अपने को स्पीड से नहीं, हमारे पास सुपर बाइक भी है 120-130। मेरी वीडियो देखोगे, इससे ऊपर नहीं जाता मैं। मैक्सिमम 150 खाली रोड मिल जाए। तो हमें ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी, और ना थकावट। उसमें 12-13 दिन घूम के आए, लेकिन एक भी थकावट नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं लगा घूम के आए। उसके बाद आके एकदम फ्रेश भाई। देख लो भाई का जवाब सुन लो भाई, कितना बढ़िया दिया। तो भाई आप स्प्लेंडर हो चाहे जो मर्जी बाइक हो, आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। स्क्रैच आ गया था इसके ऊपर छोटा सा, ये देखो। इस चक्कर में मिरर चेंज करवा रहा हूँ भाई। मिरर उसके अंदर पड़े हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ जो चीज़ हमारी चेंज होने वाली है। और शॉर्ट कैन भी हमने इसके अंदर लगाया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये शॉर्ट कैन लगा हुआ है इसमें। ये मिरर हम इंस्टॉल करवाने वाले हैं इसमें। और भाई ये प्लेटेड है, ये ना इस टाइप के हैं। ये लगते हैं मिरर्स, ऐसे लग जाएंगे। एक तो भाई ये खोलने पे ना बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे ही रहेंगे। फोल्डेड वाला ये भी हम लगाने वाले हैं इसके अंदर। लग जाएगी ना भाई? जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। और इसमें हमें लाइट भी दे रखी है, ये देख लो भाई। भाई ये देखो लाइट भी दे रखी है, ये लगवाया था। ये भी उतार देंगे हम इसको, फिर टेल टाड़ी लगेगी भाई। बहुत क्वालिटी अच्छी है भाई मिरर के लिए। देखो भाई ये दोनों चीज़ें खोलनी पड़ रही है क्योंकि वायर होती है इसके अंदर, फिर ये मिरर्स खुलेंगे, नहीं तो अदरवाइज खुलेंगे नहीं। तो जी भाई खुल रहे हैं नट, वो भी खोला हमने भाई। अब मिरर्स चेंज होने वाले हैं बाइक के, लगने लगे हैं मिरर्स। वो लुक बहुत अग्रेसिव आएगी लगने के बाद ना। सेकंड वाला भी मिरर लग चुका है। तो जी गाइस बाइक देखिए यार कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अग्रेसिव लुक आ रही है। मिरर्स भी है भाई इसके अंदर, ये देखो गाइस मिरर्स भी है। देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी मिरर है और यहाँ पे भी मिरर है, ये देखिए भाई। बाइक की हम थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करा रहे हैं भाई। अभी कुछ भी नहीं चली बाइक, मैंने मुश्किल से 1000 किलोमीटर चलाई होगी बाइक। संडे राइड वगैरह पे गई है भाई। वो देखो डुकाटी आ गई, बहुत खतरनाक आवाज़ है भाई। पूरा बॉडी भी क्लीन करा रहे हैं और भाई इसका चैन भी लूप करवानी है। क्योंकि भाई अभी मैंने मिरर्स लगवा लिए, मैं कहा साथ के साथ अभी ये भी काम करवाते हैं और कल सर्विस के लिए जाएगी मेरी बाइक कंपनी में। प्रो थ्रॉटल बॉडी के लिए टैंक खुल रहा भाई, टैंक देखो यार इसका कितना बड़ा खोल दिए हैं। अब देखो भाई ये आ गई है ऊपर, ये चेक करो, ये देखो कितनी छोटी सी है भाई टैनर, लगता है बहुत बड़ी होगी। ये चौकर इसका, ये देखो नट खोल रहे हैं थ्रॉटल बॉडी के लिए, छोटी सी बाइक है भाई। ये लड़का कावासाकी में काम करता था, इसी से खुलवा रहा हूँ नई बाइक अपनी। भाई पूरी बाइक खुल गई है। दो जी गाइस थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रही है अपनी बाइक की। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा गंदी थी, देख रहे हो, चैन ल्यूब हो रही है अपनी गाड़ी की, चेक करो भाई। क्लाउड देखो भाई कितनी ज़्यादा। फ्रंट से भाई मिरर्स लग चुके हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई। ये देखो काफ़ी एक्सपेंसिव मिरर्स हैं। ये देखो ये विंग्स बन गए और ये मिरर्स बन गए। चलो गाइस निकलते हैं अब लेके इसको, फ्रंट से आपको दिखाता हूँ लुक कैसा लग रहा है। इस बाइक लेके निकल चुके हैं और पीक पे ट्रैफिक है भाई। फाइनली निकल चुके हैं हम करोल बाग से। और गाइस आज आपको हमने जट भाई से भी मिलवाया। आप एक्चुअली मैं बता देता हूँ जट प्रभजोत से भाई मैं कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार ही मिल चुका हूँ, आज 6वीं बार मिल रहा हूँ। तो व्लॉग करने का ना टाइम नहीं लगा, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तब मैं थोड़ा जल्दी में था, मेरे पास 1000 आवर थी। नेक्स्ट टाइम भाई मिले तो भाई के पास टाइम नहीं था, एक्चुअली इन्होंने कोई ट्रिप वगैरह पे जाना था तो भाई व्लॉग करने का टाइम नहीं लगा। आज मतलब कि ना आज कम से कम 5वीं या 6वीं बार मिल रहा हूँ भाई से। तो भाइयों के ना नीचे बहुत कमेंट्स आते कि भाई जट भाई के साथ व्लॉग बनाओ, जट भाई के साथ बनाओ, पर वो ये कि भाई थोड़ा टाइम इशू रहता है। काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस थे, हमारे पास सुपर बाइक नहीं, हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो भाई आपने जट प्रभजोत को देखा था कि वो स्प्लेंडर पे गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा कि भाई देखो मुझे सुपर बाइक से ज़्यादा कंफर्टेबल ना स्प्लेंडर पे लगा है। तो भाई देखो वो तो बाइक बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 90,000 लाख रुपये की मिल जाती है, आप भी लेके जा सकते हैं और व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसे बहुत बढ़िया गुड मैसेज मिला एक। तो भाई आपको सभी को भी यही बोलता हूँ कि भाई आप भी सारे व्लॉगिंग कर सकते हो और छोटी बाइक बड़ी बाइक से कुछ लेना देना नहीं होता, ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है एक। और भाई आपको बता दूं भाई का नेचर बहुत बढ़िया है, जब भी मिलते हैं भाई बहुत अच्छे से मिलते हैं। और आज भी ना हमारी काफ़ी बातें हुई हैं, बट हम व्लॉग वगैरह नहीं कर रहे थे। अरे IBW गोवा नहीं गए, कहते भाई हर बारी नहीं जाना, तो ये बात करी थी। बाकी यार काफ़ी अच्छा लगा। और भाई बता देता हूँ ये देखो भाई आपके भाई ने ना मिरर्स लगवाए हैं करोल बाग से, और छुटमुट टैनार का ना और काम था, थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन करवाई है। रीज़न ये था एक ना मिसिंग कर रही थी और बाइक ना बंद हो रही थी और इसकी ना काफ़ी टाइम से चलती नहीं है ना, बाइक खड़ी रहती है। मैं एक्चुअली मेरे बाहर के ज़्यादा चक्कर लगते हैं, आपको पता ट्रैवलिंग पे ही रहता है तुम्हारा भाई, दिल्ली में बहुत कम रहता है। तो भाई इस चक्कर में ना बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो इसकी बैटरी वगैरह भी हमने चार्ज करवा ली है भाई। अभी ना 2 या 3 दिन बाद फिर दोबारा आउट ऑफ कंट्री जाना है, चक्कर में ना मैंने अभी इसको ओके करवा ली कि बाद में टाइम लगे चाहे ना लगे। चलो गाइस अपना कैमरा बंद करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, 9 बज रहे हैं और बाइक का सारा काम हो चुका है और इस टाइम हम करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे। ये देखो चलो गाइस आप और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो जट भाई से तो भाई अगली बार मुझे कभी मिलेंगे तो मैं ज़रूर उनसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। आप नीचे कमेंट करो कोई आपका क्वेश्चन है जट भाई के लिए, बाकी उनकी आईडी पे भी जाके आप कर सकते हो। चलो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।